श्री कृष्ण फ्रेंड, आज हम ठाकुर जी के लिए इस तरह से पतंग बनाएंगे मोती की। ये मैंने 3 मोती की पतंग बनाई है। तो इसमें मैंने एक छोटी और एक बड़ी ऐसे 2 पतंग बनाई है। इसमें मैंने 9 राउंड लिए हैं और इसमें मैंने 10 राउंड लिए हैं। आप जितनी बड़ी बनाना चाहे वैसे बना सकते हैं। अगर आपको इनसे भी बड़ी बनानी है तो ये राउंड आपको ज़्यादा लेना होगा, और छोटी बनानी है तो आप उसमें से कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 कलर यूज किए हैं। आप चाहे तो ऐसे 1 कलर में भी बना सकते हैं और ऐसे 2 कलर में भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड, हम चलो इस तरह पतंग बनाना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले, अगर आप पहले मेरी चैनल पर नए हैं तो पहले मेरी चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और ऑल पर क्लिक करें, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलो हम इस तरह पतंग बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पतंग बनाने के लिए मैंने इस तरह रामा कलर के मोती लिए हैं, 0 साइज के हैं। और मैंने ये जो डार्क रेड आता है वो लिया है, ये भी 0 साइज के हैं। तो पहले हमें 6 रेड मोती लेने हैं इस तरह, और अब हम यहाँ गांठ लगा लेंगे। और धागा कट कर देंगे। तो हमने इस तरह धागा कट कर लिया है गांठ लगाकर। अब हम आगे के 2 मोती में से निडल लेंगे। इसे और फिर हम 4 मोती रेड लेंगे। और जो हमने 2 मोती में से निडल ली थी, फिर से उसी 2 मोती में से निडल लेंगे। सॉरी, पहले हम 2 मोती लेंगे और ये दोनों मोती में से निडल लेंगे। इस तरह, और फिर उसी दोनों मोती में से निडल लेंगे। इस तरह अब हमें 4 रेड कलर के मोती लेने हैं। और फिर सामने से निडल। तो ये बीच की लाइन हमें पूरी रेड बनानी है, तो हमें हर जगह रेड कलर के ही मोती लेने हैं। अबे बाजू वाले मोती में से निडल और ऊपर के 2 मोती में से निडल। हमें इस तरह दोनों साइड एक एक मोती रहे वहाँ तक बीच में लेना है। फिर से हमें पहले 2 मोती लेंगे और ये दोनों मोती में से निडल इस तरह। फिर दोनों मोती में से निडल इस तरह। आज हम ये 3 मोती की पतंग बना रहे हैं। ये बिल्कुल बनाने में आसान है। फिर से 4 मोती रेड पूरे सामने से निडल इस तरह। तो हमें एक बार 2 मोती लेना है और एक बार हमें 4 मोती लेना है। और फिर हमें ये बाजू के मोती में से निडल और ऊपर के 2 मोती में से निडल, यानी हमें टोटल 3 मोती में से निडल लेनी होगी रिटर्न इस तरह। अब 2 मोती में से निडल, पहले 2 मोती लेंगे और ये दोनों मोती में से निडल। तो इसी तरह हम जितनी बड़ी हमें पतंग बनानी है उतनी लंबाई का ये बीच का भाग बना लेंगे। इसी तरह अब हमें 4 मोती लेना है। तो इसी तरह हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरह मैंने बीच की पूरी लाइन कंप्लीट कर ली है।
ये छः मोती का राउंड आता है जो हमारा, वो मैंने 10 राउंड कंप्लीट किया है। ये हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 मोती आएगा, यानी हमारा 10 राउंड होगा। तो आप इससे बड़ी बनाना चाहे तो इससे ज़्यादा राउंड बनाना है आपको। तो अब हम आगे यहाँ तक सेंटर में पहुँच गए हैं, अब हम आगे यहाँ से निडल लेंगे इस तरह, और अब हमें 3 ए रामा कलर के मोती लेने हैं। ये बहुत ही इजी है बनाने में। तो हर बार हमें 3 मोती लेना है क्योंकि हम ये 3 मोती की पतंग बनाते हैं। तो फिर से हम 3 मोती लेंगे और ये जो हमारा 20 का मोती है उसमें से निडल लेंगे। तो इसी तरह हम यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं 3 मोती लेकर। तो इस तरह हमने यहाँ लास्ट तक कंप्लीट कर लिया है। अब हमें ये रेड मोती में से हमने निडल ली लास्ट में, तो अब हम यहाँ आगे के ये लास्ट के 2 रामा कलर के मोती में से निडल लेंगे इस तरह। हमने लास्ट में जो 3 मोती लिए थे उसमें से 2 मोती में से निडल लेनी है हमें इस तरह, और फिर हमें 3 मोती लेकर आगे लेना है। तो फिर से हम 3 मोती लेंगे और ये हमारा जो 20 का मोती है उसमें से निडल। तो आगे हर बार इसी तरह प्रोसेस रहेगी हमारी, 3 मोती और ये 20 के मोती में से निडल इस तरह। हमें यह खास ध्यान रखना है, हम जिस मोती में से निकले थे उसी मोती में से आगे 2 मोती में से लेना है यहाँ से। तरह 3 मोती और ये बीच के मोती में से निडल। तो इसी तरह हम लास्ट तक कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ तक हम ले लेते हैं, तो हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब ये 3 मोती लेकर हम ये 20 के मोती में से निडल लेंगे इस तरह। और अब हमें ये आगे के 2 मोती में से निडल लेनी है इस तरह। इसे तो हर बार हमें लास्ट में ऐसे ही 2 मोती में से निडल लेकर आगे 3 मोती लेंगे और बीच के मोती में से निडल। फिर से हम 3 मोती लेंगे। यहाँ मैं सिर्फ 2 कलर में बना रही हूँ, इसलिए हर बार हमारा एक कलर ही आएगा। अगर आपको अलग अलग कलर में बनाना है तो आप यहाँ दूसरा कलर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह हमें लास्ट तक कंप्लीट करना है 3 मोती लेकर। बीच के मोती में से निडल। और फिर से हमें ये 2 मोती में से निडल लेनी है इस तरह, ये 2 मोती में से निडल, आगे 3 मोती और ये बीच में से निडल।
तो इसी तरह हम लास्ट तक यह तक इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ लास्ट तक कंप्लीट कर लिया है। तो मैंने यहाँ पे यहाँ ये पांच मोती की एक दो और तीन बुटियाए वहाँ तक मैंने ये रामा कलर यूज किया है, फिर मरून कलर यूज किया है। आप चाहे तो ये पूरा का पूरा एक ही कलर का बना सकते हैं यहाँ तक। तो लास्ट में हमें फिर से यहाँ से ये दो मोती में से निडल लेनी होगी, यहाँ से ये दो मोती में से निडल। अब हमें तीन रामा कलर के मोती, एक मरून मोती और तीन रामा लेंगे। इस तरह टोटल हमें सात मोती लेना है। और ये जो मोती बीच का है उसमें से निडल इस तरह इसे। अब हमें लाइन के सारे मोती में से निडल ले लेंगे इस तरह इसे। इसे यहाँ तक ये हमारा जो लास्ट वाला मोती आता है सब उसी में से हमें निडल लेनी है। इस तरह तो ये हमारा एक साइड का भाग कंप्लीट हो गया है इसे। फिर यहाँ से ये बीच के हमें दो मोती तक लेना है यहाँ यहाँ तक। अब हमें तीन डार्क रेड मोती लेना है और ये दो मोती में से निडल। फिर ये तीनों मोती में से निडल। इसे अब हम चार मोती लेंगे। हर बार हमें एक एक मोती ज़्यादा लेना है। पहले हमने दो था, इसमें हमने तीन मोती लिए, अब चार मोती। फिर चारों मोती में से निडल इस तरह। अब हमें पांच मोती लेना है। तो अब हम ये पांच मोती रामा कलर के लेंगे और ये चारों मोती में से निडल। फिर ये पांचों मोती में से निडल। अब हमें ये छह मोती लेंगे। और फिर पांचों मोती में से निडल। तो ये हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ से निडल लेकर यहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो अब हम यहाँ तक आ गए हैं। अब ये बीच के मोती में से निडल और फिर से हमें तीन रामा कलर के मोती लेने हैं इस तरह।
और ये जो हमारा आगे का बीच का मोती है उसमें से नीडल ऐसे। तो जैसे हमने यहाँ कंप्लीट किया उसी तरह हम ये सामने भी कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ हर जगह हम तीन तीन मोती लेकर कंप्लीट कर लेंगे यहाँ तक, और फिर यहाँ जैसे हमने कंप्लीट किया वैसे ही पूरा भाग यहाँ कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरह हमारी पतंग बन के रेडी हो गई है। हमने ये भाग भी कंप्लीट कर लिया है और लास्ट में हमने यहाँ से हमारा धागा है यहाँ से, तो दोनों साइड हमने तीन तीन मोती लेकर ये हमारा सात मोती का सर्कल कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम यहाँ एक गांठ लगा लेंगे ऐसे। अब हम ऐसा सर्कल बनाने के लिए हम डार्क रेड मोती लेंगे यानी मरून मोती लेंगे। तो इस तरह हमने पहले 15 मोती लिए हैं और हम ये दो मोती और ये दो मोती छोड़ के यहाँ से लेंगे नीडल यहाँ से इस तरह इसे। इसी तरह हम फिर से 15 मोती लेकर यहाँ तक ये कंप्लीट कर लेंगे ऐसे। तो हमने यहाँ पे ये 15 मोती ले लिया है। अब हम यहाँ गांठ लगाकर धागा कट कर लेंगे ऐसे। ये हमें नीचे की ओर से लेना है यहाँ से। इस तरह ऐसे। तो ये हमारी पतंग बन के रेडी हो गई है। अब हम यहाँ धागा कट कर लेंगे। तो फ्रेंड अब हमारी ये पतंग बन के रेडी हो गए है। इसी तरह मैंने एक छोटी पतंग बनाई है। यहाँ पे हमने जो 10 सर्कल बनाए थे इसमें मैंने 9 सर्कल बनाए हैं। तो इसमें मैंने सिर्फ ऑरेंज और ग्रीन कलर यूज किया है और पूरा का पूरा ऑरेंज बनाया है। यहाँ पे हमने कैसे रेड लिया उस तरह हमने ये पूरा ऑरेंज बनाया है। आपको जैसा पसंद आए वैसे आप बना सकते हैं। सो फ्रेंड आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ये जरूर कमेंट करके बताएगा और मेरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। जय श्री कृष्णा।